Hello everyone, my name is Shreya and I'm representing Future Overseas Education. Guys, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं IDP versus British Council. जब भी कोई स्टूडेंट अपना एग्जाम बुक कराने जाता है सो सबसे पहले द क्वेश्चन दैट अपेयर्स इज क्या हमें अपना एग्जाम IDP में बुक करवाना चाहिए या British Council में बुक कराना चाहिए. शायद ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी आया होगा जब आप एग्जाम बुक करवाने लगे होंगे या अगर आप अभी करवाने लगे हैं तब भी आपके माइंड में ये जरूर आएगा या आप किसी से जरूर पूछेंगे कि क्या मुझे अपना एग्जाम IDP में बुक करवाना चाहिए या ब्रिटिश काउंसिल में. सो सबसे पहले जो मिथ है वो ये है कि IDP वाले राइटिंग में बैंक्स कम देते हैं और ब्रिटिश काउंसिल वाले ज्यादा देते हैं, या स्पीकिंग में भी. स्पीकिंग में ब्रिटिश काउंसिल वाले कम देते हैं, IDP वाले ज्यादा देते हैं. सो गाइज, दीज आर अ मिथ एंड वी शुड नॉट कंसिडर दोज व्हाइल वी आर गिविंग आवर एग्जाम और व्हाइल वी आर बुकिंग आवर एग्जाम. वी शुड नॉट कंसिडर इट. रीजन बीइंग द ट्रेनर्स फॉर बोथ IDP एज वेल एज ब्रिटिश काउंसिल आर ट्रेन्ड इन द सेम वे. वेदर अ ट्रेनर इज वर्किंग फॉर द IDP और दे आर वर्किंग फॉर ब्रिटिश काउंसिल, दोनों की ही ट्रेनिंग सेम तरीके से ही होती है. सो देयर इज नो डिफरेंस. एंड वन मोर थिंग, वर्ल्ड वाइड, पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कहीं पर भी डिफरेंस नहीं होता है. एग्जाम आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सेट करती है, IDP एंड ब्रिटिश काउंसिल सिर्फ कंडक्टिंग बॉडीज हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, रिजल्ट सेम आता है इनका. 13 डेज बाद IDP का भी रिजल्ट आता है, ब्रिटिश काउंसिल का भी रिजल्ट आता है. लेकिन स्टूडेंट्स फिर ये कहते हैं कि हमें IDP वालों ने बैंस नहीं दिए, ब्रिटिश काउंसिल वालों ने दे दिए. सो गाइज, आई हैव एन आंसर फॉर दिस. फॉर एग्जाम्पल, किसी भी स्टूडेंट ने 1 वीक पहले ब्रिटिश काउंसिल में एग्जाम दिया एंड आफ्टर दैट उसने IDP में एग्जाम दिया. IDP वाला क्लियर हो गया, ब्रिटिश काउंसिल वाला क्लियर नहीं हुआ. सो दिस इज बिकॉज समटाइम्स सम डेज हम अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ दिन हमें या तो क्वेश्चन समझ नहीं आता या किसी पर्टिकुलर दिन हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते. एंड वी यूजली ब्लेम IDP फॉर दिस और ब्रिटिश काउंसिल फॉर दिस. और हम लोकेशन को भी ब्लेम करते हैं कि अगर हम पर्टिकुलर उस लोकेशन में एग्जाम देते तो शायद हमारा क्लियर हो जाता. सो दीज आर ऑल मिथ्स. आप IDP में पेपर बुक करवाएं या आप ब्रिटिश काउंसिल में पेपर बुक कराएं, कोई भी डिफरेंस नहीं है. ना चेकिंग पॉलिसी में, लिसनिंग एंड रीडिंग विल बी चेक बाय कंप्यूटर, सो उसमें कोई एरर्स होने के चांसेस ही नहीं है. राइटिंग एंड स्पीकिंग जो होती है चेक, वो क्वालिफाइड सर्टिफाइड ट्रेनर्स एग्जामिनर्स के थ्रू होती है. सो उसमें भी डिस्क्रिपेंसी होने के चांसेस बहुत बहुत लेस है. सो चूज वाइजली, थिंक ट्वाइस जब भी आप अपना पेपर बुक कर रहे हैं. सिर्फ ये कंसिडर ना कीजिए कि बाकी का क्या कह रहे हैं. What you want, that matters. Thank you so much guys for watching this video. I hope you liked it. Please like, share and subscribe our YouTube channel. For more such information, stay tuned to our YouTube channel. Thank you so much.